यहाँ पर आपका नाम लिख कर आएगा, देखते हैं आता है या नहीं आता। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाता है भाई, 1000 लाइट का फीचर मिलता है, TVS की ब्रांडिंग है। वॉच करने लगा, काफ़ी बड़ा अपडेट किया है TVS ने, एंटॉर्क वाला मीटर जो है जुपिटर में दे दिया भाई। और इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है, 125 सीसी के सेगमेंट में अगर एक बेस्ट स्कूटर की अगर बात की जाए तो भाई TVS का जो जुपिटर है इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ में आता है। जो एंटॉर्क में अभी तक मीटर आता था वो कंपनी ने अब जुपिटर में भी दे दिया है, और मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में ये स्कूटर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि इसमें फ्यूल कैप जो है, फ्यूल टैंक जो है आगे की तरफ मिलता है, एंड USB-A पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, पूरा डिजिटल मीटर मिल जाता है, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस सेगमेंट में इस स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी बनाती हैं। यदि आप अपने लिए 125 सीसी के सेगमेंट में एक बेस्ट स्कूटर सर्च कर रही हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्कूटर के कलर की। इसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। अभी अपने साथ में ये इसका मैरून कलर खड़ा हुआ है, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। व्हाइट कलर के बाद में मुझे स्कूटर पर यही कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। इस स्कूटर का कर्व वेट है 108 kg। ये स्कूटर 108 किलो का है। इसमें ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm का मिलता है, और इसकी सीट हाइट लगभग 765 mm की है। इसकी लेंथ है 1852 mm की, इसकी विड्थ है 681 mm की, इसकी हाइट है 1168 mm की, और इसमें व्हील बेस मिलता है 1275 mm का। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इस स्कूटर की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस स्कूटर की प्रॉपर राइट प्रोफाइल, ये है इसकी फ्रंट प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिए हेड हैंडल का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके का है। इधर ये डुअल टोन मिल जाता है, सॉरी ट्रिपल टोन है। इधर ये मैरून कलर, इधर ये क्रोम, और इधर ये वाइजर ब्लैक कलर में दिया गया है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट का इधर ये स्टिकर लगा हुआ है। हेडलाइट की अगर बात की जाए फुल LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। मैं इसके इग्निशन ऑन करता हूँ, हेडलाइट ऑन नहीं हुई। इधर ये सेंटर में TVS की ब्रांडिंग है। इधर ये नंबर प्लेट लगाने का सेक्शन, इधर ये DRLs मिलते हैं। इग्निशन के ऑन होते ही इसके DRL ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में। स्मार्टली इधर क्रोम का यूज़ किया गया है। ये देखो इस स्कूटर में हजार्ड लाइट का फीचर मिलता है, फ्रंट से इसको कुछ इस तरीके का लुक प्रोवाइड करा रहा है। ये फाइबर का पार्ट है। इधर ये देखिए TVS इंटेलिगो को मेंशन किया है। ये मेटल में दिया गया है फ्रंट मडगार्ड। इधर ये एडिशनल प्रोटेक्शन दी गई है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं इस स्कूटर में। दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। इस स्कूटर में 12 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील ऑफर किए हैं। फ्रंट में भी 12 इंचेस, रियर में भी 12 इंचेस। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैं आपको टायर दिखा देता हूँ किस कंपनी का है। TVS कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है, और फ्रंट टायर साइज है 90-90-12। ये देखिए फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। इस स्कूटर में SBT मिलता है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। ये डिस्क में भी आता है, ड्रम में भी आता है। ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला, तो इस वजह से फ्रंट व्हील में इसमें 200 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। पैर रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिल जाता है। इधर जुपिटर की ब्रांडिंग है। इधर ये फ्यूल कैप दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। E20 का सपोर्ट दिया गया है। इस स्कूटर में 5.1 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाता है भाई, बार बार पीछे उतर के जाओ, पीछे खोलो, डिग्गी खोलो, उससे बढ़िया मुझे ये लगता है। इधर ये एक हुक दिया गया है, इधर ये बॉक्स दिया गया है। ये देखो कुछ इतना स्टोरेज, आराम से 1 लीटर की बोतल आ जाएगी नीचे की तरफ। इधर ये फोल्डेबल हुक दिया गया है, ये देखो, और इग्निशन को इधर दिया गया है राइट साइड में। चाबी की अगर बात की जाए नॉर्मल चाबी ऑफर की गई है। इधर USB-A पोर्ट दिया गया है, जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी में अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो इसमें रख के, काफ़ी अच्छी बात है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। काफ़ी बड़ा अपडेट किया है TVS ने, एंटॉर्क वाला मीटर जो है जुपिटर में दे दिया भाई। और इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। ये देखो डुअल डिजिटल मीटर मिलते हैं इसमें। आइए इसके सभी फीचर बटन देख लेते हैं। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच, लो बीम हाई बीम पासिंग, उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे हॉर्न, ठीक ठाक लाउड है। इधर ये असिस्ट का यहाँ पर बटन दिया गया है डेडिकेटेड, ऑटो स्टार्ट, ऑटो
नीचे की तरफ इधर ये हज़ार लाइट का बटन डेडिकेटेड, इस स्कूटर में हज़ार लाइट का फीचर मिलता है, इधर ये सेल्फ का बटन दिया गया है। मैं आपको दोबारा से मीटर दिखाता हूँ। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है अब इसमें, यहाँ पर आपका नाम लिख कर आएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसमें मिलती है। नीचे की तरफ दो बटन मिलते हैं जिसकी सहायता से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें दो मोड मिलते हैं, इको एंड पावर। बैटरी वोल्टेज देख सकते हैं, ये देखो भाई, फ्यूल इकोनॉमी देख सकते हैं इसमें, यानी कि एवरेज देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। 100% इको, पावर ज़ीरो। इधर ये देखो, अरे यार इधर को दिखाने के लिए इसकी पन्नी थोड़ी सी ये तो हटानी पड़ेगी, अरे यार फिर आप कहोगे ऐसे ही दिखा दिया। ये देखो भाई, पानी लगा हुआ है इधर। फ्यूल गेज इधर दिया गया है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर इधर है और बाकी की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो इधर दी गई हैं भाई। इसमें आप टाइम भी देख सकते हो, ठीक है, रेंज देख सकते हो, राइडिंग सिंस, कितने टाइम से ये स्कूटर चल रहा है, लो फ्यूल इस तरीके से इंडिकेट करेगा। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स जो हैं इसमें दे दिए गए हैं। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिलती है, 10x10 नेविगेशन देख सकते हो और भी बहुत कुछ। इधर ये साइड में कुछ इस तरीके का पैटर्न मिलता है, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ फीचर, ये देखो आवाज़ करने लगा साइड स्टैंड लगते ही। इधर ये सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है, क्लीन फुट पैड। इधर ये स्मार्टली क्रोम का यूज़ किया गया है, जुपिटर 125 का बैज इधर मिलता है और ये फाइबर का नहीं है भाई, मेटल का है। इसमें सिंगल सीट ऑफर की गई है राइडर के लिए स्पेशली, और प्लेन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। काफ़ी अच्छी कुशनिंग का इसमें यूज़ किया गया है, ये देखिएगा ग्रेवरेल का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें ये बैक रेस्ट मिल जाता है इस वाले वेरियंट में, 125 को इधर ये मेंशन किया है। रिफ्लेक्टर ऊपर की तरफ मिलता है, कुशनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की, रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस स्कूटर की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझिए, इसके इंजन की। इस स्कूटर में कंपनी ने 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड फैन कूल्ड FI4 स्टॉक 2 वाल्व TVS कंपनी का स्कूटर सेगमेंट में काफ़ी बेहतर इंजन लगाकर दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.04 BHP की 6500 RPM पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 4500 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ साथ ये स्कूटर माइलेज भी ठीक ठाक निकाल कर देता है। माइलेज और सर्विस के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे बताऊंगा। भाई इस स्कूटर में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है इस वाले वेरियंट में, TVS की ब्रांडिंग है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, इसमें SPD मिलता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जैसे ही पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला लगता है। पीछे वाले पहिए में कंपनी ने 130mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दिया है और पीछे भी कंपनी ने 12 inches का ही डायमंड कट अलॉय व्हील दिया है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। टायर की पहले बात कर लेते हैं, TVS कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर है और प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 90-90-12। रियर टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती हैं। ये है इस स्कूटर की रियर प्रोफाइल, ये देखिएगा, टेल लाइट हैलोजन बल्ब के साथ में है, सैटर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में, 1000 लाइट का फीचर मिलता है, TVS की ब्रांडिंग है। ये इसका बैकरेस्ट, इधर ये नंबर प्लेट लाइट ही नहीं, नहीं 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 भाई, डेडिकेटेड यहाँ पर नंबर प्लेट लाइट दी गई है। यहाँ पर एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। साइड पैनल ये देखिएगा, राइट साइड का कुछ इस तरीके का है। बात करते हैं एग्जॉस्ट की, कुछ इस तरीके का पैटर्न है इसका, सिंगल बैरल एग्जॉस्ट है, ये क्रोम में मिलता है। इसका मफलर, यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन, पिलियन फुट पैड, और ये देखिए कुछ इस तरीके का इधर ये क्रोम दिया गया है। सीट को खोलते हैं, लेफ्ट साइड में इसको टर्न करते हैं, इसकी सीट ओपन हो जाती है और काफ़ी ठीक ठाक इसमें स्पेस दिया गया है। इसमें मीडियम साइज का हेलमेट आ जाएगा और हाँ, इसमें बड़े साइज का हेलमेट भी आ जाता है। ये मेरा फुल साइज का हेलमेट है भाई, मैं दिखा देता हूँ रख के, ये देखो भाई, देखते हैं आता है या नहीं आता। ये मैंने अपना हेलमेट रख दिया, नहीं आया। पीछे की तरफ रखता हूँ, इस साइड में देखता हूँ अब, भाई नहीं आया। फुल साइज का तो हेलमेट नहीं आया भाई,
फुल साइज का हेलमेट इसमें नहीं आया, लेकिन छोटे साइज का तो हेलमेट इसमें आ जाएगा। चलो भाई, यहाँ पर तो ये स्कूटर जो है फेल हो गया। स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है, ये अच्छी बात है। गहराई कम है लेकिन चौड़ाई लंबाई ठीक है, और इसमें कोई भी बूट लाइट नहीं दी गई है। इधर ये डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के लिए ठीक ठाक स्पेस है। इधर ये ओबीडी सेंसर, इसका डिटेल बैकग्राउंड कर लिया। आइए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसका इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेंप्ट में ये स्कूटर स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई। इसका लो बीम हाई बीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अब इसके इंजन का साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। टोटल देता हूँ, इंजन किल स्विच इसमें नहीं मिलता है, उसके लिए यहाँ से ही इसको बंद करना होगा। अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। टीवीएस कंपनी अपने इस नए स्कूटर पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है और 50,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस स्कूटर से 50 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है, फिर डिपेंड करता है राइड कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर, और स्कूटर की कंडीशन पर भी किस तरीके से आप उसकी सर्विस वगैरह रखते हो, मेंटेन किस तरह रखते हो आप। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। इस स्कूटर में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। ये स्कूटर जो है काफ़ी सारे वेरिएंट में आता है, 110cc में भी आता है, क्लासिक में भी आता है, अब तो ये स्मार्ट एक्स करेट के साथ में आने लगा है। ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। ठीक है, इसकी एक्सोरूम प्राइस है लगभग 98,000, यानी कि 98,000 रुपये के आसपास। ऑन रोड आते आते ये स्कूटर पड़ेगा 1,15,000 के आसपास, 1,15,000 रुपये के आसपास, प्लस माइनस आप 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। आप प्राइस का केवल रफ आइडिया माने, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है। आइए बात कर लेते हैं इस स्कूटर के प्रोज एंड कॉन की, यानी कि प्लस पॉइंट एंड नेगेटिव पॉइंट की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस स्कूटर का यही है कि ये स्कूटर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूल कैप आगे की तरफ मिल जाता है, आराम से इसमें फ्यूल डलवा लो। ठीक है, और USB ए पोर्ट मिल जाता है, फ़ोन को चार्ज कर लो। उधर यूटिलिटी बॉक्स टाइप में भी मिल जाता है, स्टोरेज मिल जाता है, और इसमें 2 हेलमेट रख सकते हैं भाई। स्टोरेज भी पूरा मिलता है, फुल्ली डिजिटल मीटर इसमें दिया गया है, जिसकी सहायता से इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ हो जाता है, एंड इससे परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती है। कॉन की अगर बात की जाए तो मुझे इसमें कुछ भी ऐसे खास कॉन नहीं लग रहे हैं जिसकी वजह से आप इसको अवॉइड कर सकें। हालांकि प्राइस भाई 125cc का स्कूटर है, 1,15,000 रुपये, ठीक है, लगभग 5-7 हज़ार रुपये कम होती तो और बेहतर होता। ठीक है, और इस सेगमेंट में इस स्कूटर के साथ में यदि आप किसी का भी कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी राइड करूंगा और इसके साथ में जो भी मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए, ओवरऑल जो कंपनी पैकेज दे रही है उसके अकॉर्डिंग ये स्कूटर मैं आपको 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोस, समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।